नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। 5 अगस्त 2019, ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन मोदी सरकार आर्टिकल 370 को पूरी तरह से निरस्त कर चुकी थी। इस फैसले के खिलाफ कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए और काफी लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी और मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तारीखों का भी ऐलान हो गया है, 3 फेज में वोटिंग होनी है। पर चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी जहां बार बार 370 का मुद्दा उठा रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि 370 पुराने दिनों की बात हो गई, इसे किसी भी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 370 को फिर से बहाल किया जाएगा। कई तरह की बयानबाजी हो रही है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि क्या मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ विपक्ष जा सकती है, क्या कानूनी अड़चनें आएंगी, क्या होगा इलेक्शन के बाद 370 को लेकर विपक्ष का क्या कुछ मूड कहता है, इसे समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आर्टिकल 370 आज उसी का नतीजा है कि हम लाल चौक में इतने अच्छे से वॉक कर पा रहे हैं, भारत का तिरंगा भी लहर रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस चुनाव को लेकर बार बार 370 का मुद्दा बनाया जा रहा है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम फिर से इसे लेकर आएंगे, क्या लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी 0% है जी, क्योंकि अगर किसी को पॉलिटिकल हाराकिरी करना हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, वो इस तरह की बातें कर सकती है। पहली बात समझिए कि मुद्दा कुछ भी हो, राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा वही है जिससे वो वोट पा सके। आम लोगों को क्या फायदा हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी की चिंता नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी, आप बताएं, इस देश में कोई ऐसी है जो जेन्युइनली गरीब लोगों को कैसे गरीबी से बाहर निकाले उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही हो? नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का चरित्र है ऐसा कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने के लिए कौन सा दांव पेच हम खेलें कि जिसकी वजह से हम चुनाव जीत जाएं और सत्ता पे बैठ जाएं, यही उनका मेन। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि वक्त लगेगा लेकिन फिर भी हम जाएंगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला ने क्यों कहा ऐसी बात? उमर अब्दुल्ला उस तरह के सेंटिमेंट्स को गार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से वो चुनाव हारे। वो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। उमर अब्दुल्ला को छोटे मोटे नेता नहीं है, लेकिन लोकसभा में अचानक वो हार गए। क्यों हार गए? हार गए क्योंकि पब्लिक उनकी बात को नहीं मान रही थी। उनको हराने वाले कौन हैं? उनके साथ लोग थे 3.5 लाख वोट से। अब उनको सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि जो हम बातें कहते हैं, जहाँ से हम लड़ते हैं, वहाँ से हमें इन सब मुद्दों पे वोट नहीं मिल रहा, तो हमें कोई बात करनी होगी। लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच ये है कि आपने ये कहा कि हम अगर सरकार में आए तो 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 बार इस तरह के फैसले दिए हैं तो हम आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। भाई, कानूनी लड़ाई तो अपनी जगह पे है, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अभी आपको कौन रोक रहा है? इसके लिए चुनाव जीतने की आवश्यकता है क्या? इसके लिए मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता है क्या? इसके लिए क्या कांग्रेस का समर्थन लेने का? अब पेच यहाँ ये फंसा हुआ है कि उन्होंने तो कह दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी साइलेंट हो गई। आपका पार्टनर जो इतनी सारी सीटों के ऊपर लड़ रहा है वो आपके मुद्दे के साथ नहीं है, तो क्या है ये मसला? अभी देखिए, कश्मीर के अंदर, कश्मीर की राजनीति को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए, कश्मीर अलग, जम्मू अलग। कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उमर अब्दुल्ला की पार्टी का गठबंधन है, लेकिन यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर के है क्योंकि बहुत सारी और भी नई पार्टियाँ आ गई, बहुत सारी नई पार्टियाँ आ गई। पीडीपी थोड़ी कमज़ोर ज़रूर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। उन नई पार्टियों में कुछ लोग 370 के साथ हैं, कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं। मतलब कि बहुत सारे आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन भी है यहाँ पे। और सबसे सही बात क्या है, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कानून है कौन सा नहीं, ये इमोशन भड़काने की बात होती है।
कोई पार्टी यहाँ के गरीबों को, यहाँ के दलितों को ऊपर उठाए, यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी दे, क्या इसके लिए राजनीति कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। सारे लोग कर रहे हैं चुनाव जीतने की खातिर। अभी जो चुनाव जीतने के लिए अलग अलग दांव पेच, तो कोई कहेगा कि हम ये कर देंगे, कोई कहेगा हम ये कर देंगे। अभी जैसे राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना, भाई जाति जनगणना करके क्या करोगे? जाति जनगणना करके क्या करोगे? रिजर्वेशन दोगे आप? रिजर्वेशन किसको दोगे? सवाल उठ रहा है, लेकिन वो ये सवाल क्यों उठा रहे? 70 साल से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते आई और अचानक से उनको ये ख्याल आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है कि इस मुद्दे से हम चुनाव जीत सकते हैं। मतलब ये केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है, बड़ी-बड़ी बातें कर दो जनता को। आप देखिए, आप देखिए कि किस तरह से आपने हिमाचल में जाकर के ये कह दिया कि देखिए हम तो ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे। सरकारी लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा टाइम पे, आप इंतजार कर रहे हो कि वहां से भीख लें, वहां से लोन उठाएं, वहां से ये करें और उसके बाद ये करें। लेकिन पर्पस क्या था उसका? पर्पस ये नहीं कि जनता को रिलीफ देना है, पर्पस ये है कि ऐसी कौन सी बात कहूं कि मैं चुनाव जीत जाऊं। तो अब मसला 370 को समझने का है। 370 को हटाने के लिए संसद आपको जाना होगा, संसद के अंदर कानून पास करना होगा, संसद के अंदर आपको जाकर के ये कहना होगा कि देखो भाई ये कारण है इसलिए हम हटाएंगे। लेकिन मोदी सरकार के फैसले नहीं, पे तो मुहर लगने में 4 साल लग गए, ये जाएंगे तो क्या नहीं हो जाएगा? फिर उसके बाद वहां की जो पार्टियां होंगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, फिर वही जो मैं कह रहा हूं कि उसको फिर वो तौलेंगे। तौलेंगे क्या? कि ये अगर हम करते हैं तो इससे हम चुनाव में हमको फायदा होगा या घाटा होगा। जैसे ही उनको समझ में आएगा इससे घाटा हो जाएगा, हम 370 की बात करेंगे, यूपी हार जाएंगे, हम हिमाचल हार जाएंगे, हम मध्य प्रदेश हार जाएंगे, तो फिर ये पार्टियां चुप हो जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब लोकसभा सीट नहीं हारे होते, वो इस तरह की भाषा नहीं बोल रहे होते, उमर अब्दुल्ला को ये समझ में आएगा कि नहीं हम यहां पे अगर ये लाइन ले लें तो हम यहां पे चुनाव जीत जाएंगे, तो वो लाइन लेंगे तुरंत। ऐसा कोई है? चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं गई हो। तो ये सारी चीजें, राजनीति का खेल बड़ा गजब है। ये दरअसल एक ऐसा धंधा बन गया कि जिसमें जनता को बेवकूफ बनाया जाए। कैसे आप जनता को बेवकूफ बनाए और पब्लिक को जो है आप 15 दिन के लिए झांसे में डाल करके वोट ले ले और अपने घर चले जाए। लेकिन क्या पब्लिक इस झांसे में आएगी, ये बड़ा सवाल। देखिए पब्लिक का क्या है, पब्लिक इमोशनल होती है। पब्लिक को ये लगता है कि हमारी ये समस्या आज ये है, चलो भाई आदमी ठीक कह रहा है, कोई नेता बयान दे रहा है तो कोई हाँ, वो पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस चीज को वो आके कि ये क्या इसका रेमिफिकेशन हो गया, क्या वो कह रहा है सही है या गलत है। उसको लगता है कि भाई ये है। और होता क्या है, इसमें मीडिया का भी रोल होता है। मीडिया वाले कहते हैं कि भाई ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये इसके साथ आ गए, वो उसके साथ आ गए, ये माहौल बन गया, ये चुनाव जीतेंगे। बस जैसे ही ये होता है तो पब्लिक का क्या है, पब्लिक इसमें कोई दोष नहीं है। पब्लिक जो गरीब जनता है उसको कहीं से कुछ समझ में आता है कि भाई चलो भाई इसको वोट देने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो वो फ़ायदा हो, वो जाकर के वोट, इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। लेकिन ये देश चलाने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जब आप जो कहते हो उसके ऊपर आप अडिग रहो। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी कांग्रेस पार्टी के साथ उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो अलायंस में लड़ रही है। जिस तरह का सिचुएशन यहाँ बन रहा है, किसी को भी बहुमत नहीं आने वाला, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आने वाला। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें आएंगी, यहाँ एनसी और कांग्रेस के अलायंस को ज़्यादा सीटें आएंगी। बैलेंस ऐसा बना हुआ है कि 45 कोई नहीं पहुँचेगा। कोई गारंटी देकर के कह सकता है या कोई वो उमर अब्दुल्ला साहब ये कह सकते हैं कि भाई कल हम जो है बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे? भाई ऐसा तो नहीं है क्या? कौन यहाँ पे है जो एक दूसरे के साथ कौन नहीं रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। तो आर्टिकल इस तरह के जब रिजल्ट आते हैं तो इसलिए इस तरह की बातें, जब कोई कहता है कि भाई हम आर्टिकल 370 हटवा देंगे, हम ये करवा देंगे, आप सब कुछ करवा सकते हैं, तभी आप करेंगे जब आपको ये लगेगा कि ये पॉलिटिकली ये हमको फायदा देने वाला चीज है। आप ये काम करोगे कांग्रेस पार्टी पीछे से आपका कन्नी काट देगी, क्योंकि उसको बाकी जगह पर नुकसान हो जाएगा। तो ये पूरा खेल वोट का है। यहाँ जनता के बारे में सोच करके कोई राजनीति थोड़ी करता है। सबको सत्ता, पावर और 15 दिन के लिए जनता को झांसा देने की कला आनी चाहिए, दैट्स इट। तो ओवरऑल ये जो लोग बात कह रहे हैं यहाँ की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए,
कि भाई हम आएंगे तो 370 हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अदरवाइज इस तरह की बातों में कोई दम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो वाकई में मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि में से एक मानी जाती है आर्टिकल 370, जिसको लेकर कई तरह की बयानबाजी भी हुई है, कई तरह के बयान सामने आए हैं, और इस बीच तो ज्यादातर आर्टिकल 370 को लेकर ही बयानबाजी हो रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 3 फेज में वोटिंग होनी है, और हर नेता मंच से 370 की बात कर रहा है। एक तरफ अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी और एनसी की तरफ से उमर अब्दुल्ला हो या बाकी तमाम बड़े नेता हो, उनका ये कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 370 की वो वापसी कराएंगे। तमाम बातें किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी सरकार के इस फैसले पर कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कानूनी दावपेच की बात अलग है, लेकिन मोदी सरकार का ये एक ऐसा अहम फैसला है जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में भी हुई है, एक अहम और ऐतिहासिक फैसला माना जाता है, और बार बार अमित शाह ये कह रहे हैं कि 370 की वापसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मोदी सरकार अडिग है, लेकिन विपक्ष यहाँ पे बेदम है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही, देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।